उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में सत्ताधारी भूमाफियाओं के आगे जिला प्रशासन बेबस और नतमस्तक हो गया है। जीता जागता प्रणाम बीजेपी नेता तथा पूर्व विधायक गोवर्धन सिंह के पुत्र का मामला देखने को मिला है, जहां जीएस की जमीन पर 29 वर्षों से कब्जा किए गए बरखुदारपुर के ग्रामीणों को सत्ता के दबाव में खदेड़कर जिला प्रशासन ने कब्जा करा दिया है। जब इस मामले में सदर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया इसे खाली कराकर कब्जा दिलाए जाने का आदेश जिलाधिकारी आरपी सिंह का बताया। कासगंज से विशाल की रिपोर्ट। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट आदेश से जिसके तहत ये सब कार्रवाई की गई है। लगता है कहीं ना कहीं राजस्व टीम का इसमें कुछ ना कुछ मामला प्रकाश में आया है कि उन्होंने किसी तरीके से गोलमाल किया है। नहीं, अगर ऐसा किया है, अगर आप लोग तथ्य प्रकाश में लाते हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चल रहा था सर, क्या मामला था पूरा? एक्चुअली में ये जो विवाद हरसिंहपुर और बरखुदारपुर में चल रहा था सीमा विवाद का, उसी में एक महेंद्र सिंह राणा हैं, उनका पट्टा भी हुआ था और उनकी भी शिकायत थी जिलाधिकारी महोदय के पास में कि कुछ लोग गांव के लोग हैं, उनकी ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इस सिलसिले पर पिछले बार तहसीलदार के साथ में 2-3 बार टीमें गईं, गांव का विरोध हुआ तो उसमें हमें और सीओ साहब को मौके पर जाने के लिए निर्देश हुए थे और अपने सुपरविजन में जाके दोनों सीमाओं का जो है सीमांकित करते हुए अलग अलग करने का निर्देश दिए गए थे। सर, बड़ा सवाल है, जो महेंद्र सिंह राणा है, उनके पिता एक पूर्व विधायक रहे हैं और काफ़ी अच्छे परिवार से हैं, उनके नाम अगर जो पट्टा हुआ तो किस उद्देश्य कैसे हुआ और क्या कुछ रहा है सर इसके पीछे? अब चूंकि पट्टा राजस्व विभाग में चढ़ा हुआ आज की तारीख में उस संक्रमणी भूमदर के रूप में दर्ज है, तो अगर पट्टा किस रूप में हुआ ये जाँच का विषय है कि उस समय वो पात्रता की श्रेणी में आते थे अथवा नहीं आते थे, ये जांच का विषय। भाजपा नेता द्वारा एक जमीन कब्जा करने का मामला प्रकाश में, क्या है पूरा मामला? मामला ऐसा, बड़े आदमी है, बीजेपी की सरकार है और गुंडागर्दी के बल पे अधिकारी भी उनके दबाव में है और गुंडागर्दी के बल पे जो है गुंडागर्दी से कब्जा कर रहे हैं उस जगह पे। ये ढोला के रहने वाले हैं, विधायक गोवर्धन सिंह के लड़के हैं और उन्होंने पट्टा करा लिया और पट्टा करा के, जबकि ढोलना के रहने वाले ग्राम पंचायत हरसिंहपुर सरोली की ज़मीन है, इनका पट्टा नाजायज हुआ है, पट्टा इनका खारिज होना चाहिए, ये अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं हमारी जगह पे। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की अनुमति बल को कर रहे हैं या किस तरीके से? सरकार भी उनका सहयोग कर रही है, सरकार हम लोगों को थोड़ी पूछ रही है, सरकार तो अपनी उनके ये भैया दबंगी की वजह से आ रही है सरकार और कर रही है अपने। तो लगता है कहीं भाजपा के लोग ही जो गुंडागर्दी को उतारू है? हाँ, भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा के हैं। ये किन के पुत्र हैं और किस तरीके से पट्टा मिला? ये गोवर्धन सिंह के पुत्र हैं, महेंद्र सिंह राणा पूर्व विधायक थे पहले, उनके लड़के हैं और वो अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं हमारे यहाँ के, कासगंज में रहते हैं। अब कासगंज और ढोलना कितना अंतर है, मेरे ग्राम पंचायत हरसिंहपुर सरोली है, इनका तो पट्टा ही नाजायज है मेरे यहाँ।